हेलो फ्रेंड, माँ बेटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। उसके लिए हमने 1.5 किलो दूध लिया है और इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। और हमारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। पैन में हमने घी डाल दिया है और इसमें हम काजू बादाम डालते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे फ्राई हो गए, इनको हटा लेते हैं। ये हमारे दूध में उबाल आ रहा है, इसको हम चलाते हैं। देखिए उबाल आने लग गया है और हम इसमें ये हमारे चावल डालते हैं। ये हमने 50 ग्राम चावल लिए। और इसको चलाते हैं। देखिए खीर में उबाल आ गया है और हम इसको उबलने देते हैं जब तक चावल गल जाए। चावल और दूध बिल्कुल मिक्स हो जाए, इस तरह से हमें बनाना है। तो हम ये बनाते हैं, इसको उबलने देते हैं। जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो गई है और चावल थोड़े से और हैं, उनको भी इसमें मिक्स होने देंगे। देखिए हमारी खीर और चावल दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये बादाम डाल देते हैं, एक काजू डाल देते हैं और ये पिस्ते डाल देते हैं और इसको गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे 1 चम्मच। इसको मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसमें ये चीनी डालेंगे। इसको पिघलने देंगे। चीनी को हम कैरमलाइज करेंगे। ये हमने 1.5 किलो दूध है माना, तो हमने 150 ग्राम ही चीनी ली है।
गैस को धीमा कर देंगे और चीनी को कैरमलाइज होने देंगे। चीनी हमारी कैरमलाइज होने लग गई है। गैस को हमें धीमा ही रखना है। ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल कैरमलाइज हो गई है और हम गैस को बंद कर देते हैं। हमें इस तरह से करना है, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। बस इनको इतना ही करना है कि हमारी चीनी गल जाए, थोड़ा सा कैरमलाइज सा दिखे। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसमें हम 2 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। अब इसको हटा लेंगे। गैस को ऑन कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारी चीनी कैरमलाइज हो गई है और हम इसको खीर में डालेंगे। अब हमारी कैरमलाइज हुई चीनी को हमारी खीर में डालेंगे। तो ये हमारी कैरमलाइज खीर बनके तैयार है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए गैस ऑन कर देंगे। ये देखिए हमारी कैरमलाइज खीर बनके तैयार है। देखिए इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। इसमें हम ये अपना इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार है और हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए हमारी खीर बन गई है और हमने सर्व करी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है क्योंकि ये हमारी कैरेमल खीर है। आप एक बार खाएंगे तो इसको बार बार बना के खाएंगे। तो देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।